मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की दो तीन कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स पर नजर डालेंगे। यह तीनों ही बड़ी अपडेट काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। पहली बड़ी अपडेट तो राजस्थान के किसानों के लिए है, क्योंकि राजस्थान का मौसम एक बार फिर पलट चुका है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर जिलों सहित कई जिलों का मौसम पलट चुका है। आप देख रहे होंगे आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की भी खबरें मिली है। प्रदेश में बदलते मौसम के कारण किसानों और आमजन के लिए परेशानी बढ़ी हुई है। दिन में तापमान बढ़ने के कारण पश्चिमी राजस्थान में जीरा, इसबगोल की फसलों को नुकसान हो रहा है और सरसों की फसलों पर मऊ कीट यानी कि चेंपा का प्रकोप बढ़ गया है। यह वही कीट है जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो सीधे आंखों में घुस जाता है और काफी जलन होती है। फिलहाल हम प्रदेश के मौसम की बात कर रहे थे। आज राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होगा, जिसका असर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में इस विक्षोभ का असर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। यानी कि 22 तारीख को एक बार फिर प्रदेश का मौसम बिगड़ेगा, हो सकता है कहीं पर हल्की बारिश भी हो जाए। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर काफी महत्वपूर्ण है। ओवर स्पीड वाहन बच्चों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। राजस्थान में दो शहरों में दो दिन में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार बच्चों की मौत हो गई है। जैसलमेर के बाद अब शुक्रवार सुबह सीकर में भी एक ओवर स्पीड लोक परिवहन बस ने बच्चों से भरी स्कूल वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन पलट गई और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, सबके घरों में बच्चे होते हैं और वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं। कहीं न कहीं बाल वाहिनियां अब बच्चों के लिए बड़ा जोखिम भी साबित हो रही है। हमारा कहना तो बस यही है कि अभिभावकों को इस विषय में स्कूल संचालकों से बात करनी चाहिए कि वह अनुभवी ड्राइवर रखे और इन गाड़ियों में समता से ज्यादा बच्चों को ना भरा जाए। बच्चे लेट भले ही हो जाए, लेकिन ओवर स्पीड के चक्कर में बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला न जाए। फिलहाल यही थी प्रदेश की दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।